आज एक काफी खुशखबरी का दिन है क्योंकि रजौरी की बेटी ने एक नया सॉन्ग रिलीज किया है पाबो। आपको बताएं कि ये पहाड़ी और डोगरी का मैशअप है और मेरे साथ ये जो पूरी टीम है ये पाबो सॉन्ग की पूरी टीम है। ज्यादा से ज्यादा आप लोगों ने प्यार देना है, पहाड़ियों ने भी प्यार देना है, डोगरों ने भी प्यार देना है और सभी के सभी लोगों ने प्यार देना है क्योंकि ये एक ऐसा सॉन्ग इन्होंने निकाला है जब हमने भी सुना तो हमारा भी दिल इन्होंने मोह लिया। मैं इस वक्त रजौरी में मौजूद हूं और आज जो आप देख रहे हैं कि ARG प्रोडक्शन की तरफ से जो है इस सॉन्ग को रिलीज किया जा रहा है और कर दिया गया है। और मैं आपको ये बात जरूर बताना चाहूंगा, जब आप इसके बोल सुनेंगे तो आपको भी सुन के काफी मजा आने वाला है और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और जो इसके नीचे मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक डालूंगा उस पे जाके आपने लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना है ताकि इनको सबको प्यार मिल पाए। अब पाबो की जो सिंगर है मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनाली राजपूत है। सोनाली जी कैसा फील हो रहा है, आपने दूसरा सॉन्ग जो है रिलीज किया है, पहले भी एक सॉन्ग रिलीज किया था काफी चला था, ये सॉन्ग भी आपने रिलीज किया है, तो कैसी आप मानते हैं कि किस तरीके का आपको लग रहा है? सबसे पहले तो हेलो टू एवरीवन जो भी आपके थ्रू हमें देख रहे हैं एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इससे पिछला मेरा जो सॉन्ग था वो डोगरी सॉन्ग था तेरा मंदा लगदा, आपने ही उसका इंटरव्यू भी किया था, और ये मेरा दूसरा सॉन्ग है जो कि पहाड़ी और डोगरी का समवेयर मैशअप है जो कि आशु अंशदीप जी ने हमारे साथ राइटर यहाँ पर है उन्होंने लिखा हुआ है, तो दोनों भाषाओं का ये टच है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि दोबारा से हम एक और प्रोजेक्ट आप सब लोगों के सामने लेकर के आ चुके हैं। पुराने गाने को भी आपने काफी प्यार दिया था बट हम चाहेंगे कि इस सॉन्ग को आप उससे भी ज्यादा प्यार दें क्योंकि इसमें उससे डबल मेहनत लगी है। मैं चाहूंगा आप कुछ बोल जो है हमारे ऑडियंस को सुनाए। उच्चिए तारे मेला लगया आई न जाए बरसात, पाबो चल चलिए हो पाबो चल चलिए, हो मिजो सजने दी आएगी याद, पाबो चल चलिए हो पाबो चल चलिए। थैंक यू। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्यार दें, आप देख रहे हैं सोनाली राजपूत हैं ये और काफी अच्छी सिंगर हैं और इनकी आवाज में बहुत मिठास है। इसमें एक रोल इन्होंने निभाया है, ये हनीत सिंह जी हैं, इनके जीवन साथी हैं, इन्होंने भी इसमें एक मेन रोल निभाया है, इनसे बात करते हैं। हनीत जी कैसा फील हो रहा है आपको? एक्चुअली बहुत ही अच्छा फील हो रहा है क्योंकि जब भी एक अपना प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाता है तो बहुत ही खुशी होती है, और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अब ये सॉन्ग तो रिलीज हो चुका है यूट्यूब चैनल ARG प्रोडक्शन पे, तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी के सभी वहां जाकर इस गाने को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपना प्यार दें ताकि हम फिर भी इसको देखकर हम अगला प्रोजेक्ट भी स्टार्ट कर पाए। तो मेरे साथ इसके लिए राइटर हैं उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका और कहां से? मेरा नाम आशुतोष दीप कुमार है, मैं डिस्ट्रिक्ट राजौरी के एक दूरदराज गांव मथियानी का रहने वाला हूं। पेशे से मैं टीचर हूं और साथ में ये डोगरी और पहाड़ी गाने लिखता हूं। इससे पहले मेरा एक गाना आ चुका है जो कि ARG प्रोडक्शन चैनल पर ही पड़ा है, नीतीश जी ने उसे गाया है, नार पहाड़ा दी, और दूसरा गाना सोनाली राजपूत जी ने किया है जो आज रिलीज हुआ है। तो कोशिश की है मैंने काफ़ी अच्छे से लिखने की और इन्होंने काफ़ी प्रयास किए हैं, उम्मीद है कि ये गाना अच्छा चलेगा और सबको पसंद आएगा, और सभी से रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में जाकर के हमें अपने व्यू ऑफ पॉइंट्स बताएं ताकि आगे हम जो लिखें और जो हम सारे टीम वर्क करेंगे उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। आप जानते ही होंगे कि ARG प्रोडक्शन जो कि हर बच्चे को, हर एक बेटी हर एक बेटे को जो है काफी ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करते हैं और प्यार देते हैं ताकि उनके व्यूज काफी सारे आए। ये ARG प्रोडक्शन से आए हुए हैं, मैं इनसे बात करता हूं क्योंकि इन्हीं के चैनल पे ये गाना रिलीज हो रहा है। कैसा फील हो रहा है सर, आज आप रियासी से रजौरी चल के आए हैं और आपने ये गाना आपने इस पे रिलीज किया है, क्या लगता है आपको? सर रजौरी जो आज पहली बार हम जो है रजौरी में आए हैं, ARG प्रोडक्शन की टीम जो है पहली बार जो है रजौरी में आई है और काफी बढ़िया हमें लग रहा है। ये सॉन्ग रिलीज हो रहा है इसके लिए तो बढ़िया लग ही रहा है, लेकिन जो यहाँ की खूबसूरती है उसको देख के भी हम ये सोच रहे हैं कि रियासी से यहाँ 3 घंटे लगते हैं तो हम कभी यहाँ आए नहीं, पर इसके बाद हम यहाँ के जितने भी वासी हैं सभी से हम बोलते हैं, यहाँ के जो अपने रजौरी के जितने भी जनता है उनको हम बोलना चाहेंगे कि आपके यहाँ पर इतनी सुंदर लोकेशंस हैं और अभी जो गाना है इसमें आप देख सकते हो कि वो लोकेशंस किस तरीके से प्रेजेंट की गई हैं, तो जल्दी हम यहाँ पर काफी सारे शूट जो हैं यहाँ पर करने वाले हैं और यहाँ का जो टैलेंट है उसको हमारी फुल सपोर्ट है। ARG प्रोडक्शन हमेशा आपके लिए आपकी सेवा में है, आप कभी भी याद कीजिए।
तो मेरे साथ इस वक्त जो मेन रोल जिनका है पाबो, वो यहाँ पे मौजूद हैं। कैसा लग रहा है आपको कि एक रोल आपने निभाया है और पहले आप ये कर चुके हैं? जी, पहले तो मुझे बहुत बढ़िया फील हो रहा है। पहली बार नहीं, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था और बहुत ज्यादा एंजॉय किया हमने इसको, एज अ ट्रिप एंजॉय किया हमने, और बहुत नई नई लोकेशनें भी हमने एक्सप्लोर करी, और ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें। अपनी तरफ से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि मैंने रजौरी पूंछ में ऐसा देखा है काफी कम बच्चे जो है इस चीज पे आते हैं, लेकिन आप बच्चों ने, मैं देख रहा हूँ जैसे ये नन्हे से बच्चे हैं, ये छोटी छोटी मेरी बहनें हैं, ये सभी उसमें गई हैं, तो कैसा फील हो रहा है आपको? जी, अपने टैलेंट को तो सबसे पहले एक्सप्रेस करना ही चाहिए। जैसे भाभी का यहाँ पे बहुत ज्यादा हार्ड वर्क रहा है, उनका ये पैशन है और उनको मतलब इस चीज का बहुत ज्यादा वो है, तो इसलिए उनका बहुत ज्यादा हार्ड वर्क है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें उनकी मेहनत। तो मैं सोनाली जी से जो है एक बार और थोड़े से बोल सुनना चाहूंगा, ताकि आप लोगों को भी लगे कि कितना प्यार जो है इनको लोग देते हैं। मैम, थोड़े से एक लाइन और किसी और सॉन्ग की आप सुना दें। हो ठंडा पानी पींदे न पाड़िए लोग, ए मौज मिला लेंदे न पाड़िए लोग, हो ठंडा पानी पींदे न पाड़िए लोग, पाड़िए पाड़िए लोग, पाड़िए पाड़िए लोग, पाड़िए पाड़िए लोग, पाड़िए पाड़िए लोग, साढ़े पाड़िए दा के है खाना, के है खाना, के है खाना, मकुए दा टोडा होए सागे कन्ने खाना, सागे कन्ने खाना, सागे कन्ने खाना, ए मरच ने बनी लिए मौज, ठंडा पानी पींदे न पाड़िए लोग, ए ठंडा पानी पींदे न पाड़िए लोग। बहुत ही सुंदर आवाज, और ये आप देख रहे हैं कि इन्होंने गाना जो है रिलीज किया है, और इसका जो बैनर भी आप देख रहे हैं, साथ साथ मुबारकबाद देना जरूर जितने भाई जितनी बहनें मेरी इस वीडियो को अभी देख रहे हैं। जितना सोनाली जी ने इसमें प्यार दिया है, मैं कहूंगा कि आप पहाड़ के लोग इस गाने को सुन के जो है जरूर खुश होंगे, और जितने लोग इसको देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और मैं जरूर कहूंगा कि जो हमारे उधमपुर के बेल्ट के, जम्मू के बेल्ट के, अखनूर के बेल्ट के, रियासी के बेल्ट के, सांबा के, कठुआ के डोगरे, जो कि बहुत प्यारे लोग लगते हैं मुझे, और मैं यहाँ के पहाड़ी लोगों को जरूर कहूंगा कि आपके लिए ये गाना इन बहन ने निकाला है, इनका नाम सोनाली राजपूत है, बहुत अच्छी सिंगर हैं ये, इनको प्यार दें। और मैं देख रहा हूं कि ये नन्हे मुन्ने बच्चे इसका पार्ट हैं, ये भी इन्होंने भी रोल्स किए हुए हैं, तो आप देख रहे हैं कि कितना मुश्किल हो जाता है इन बच्चों के लिए अपना टाइम निकालना, स्टडीज भी हैं, लेकिन फिर भी इन बच्चों ने काफी मेहनत की है। और मैं ये बात जरूर बताना चाहता हूं, ये जो गाना बना है ये कोटरंका की वादियों में, आप जानते ही हैं कि वादियों को लोग कितना प्यार करते हैं, तो कितनी मुश्किल से इन्होंने वहां पे ये वीडियोस बनाई होंगी, काफी ठंड भी वहां पे रहती है, अपर रिचीज की पहाड़ियों में ये गाने बने हैं। और मैं जरूर कहूंगा कि आप लोग ARG प्रोडक्शन में जो है जाके, लिंक में जाके इनको प्यार दें, सपोर्ट करें, और मैं जरूर कहूंगा लाइक वीडियो शेयर तो जरूर बनता है। अर्ली टाइम्स के लिए प्रमोद।